आज की वीडियो रहने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो अब कॉलेज ज्वाइन करेगा। जी हाँ, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर जो है बस स्टार्ट ही हो गया है। तो नया नया कॉलेज और शरीर की तरफ देखकर आप कह रहे हैं भाई कैसे ठीक करूं, इसको क्या सप्लीमेंट लूं। और बहुत सारे बच्चों ने तो जिम भी लगा ली है कॉलेज, क्योंकि भैया अब ओपन होंगे, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है और सेहत से ही पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। तो आप भी अगर कॉलेज जा रहे हैं, जाने वाले हैं, ज्वाइन करेंगे कॉलेज अभी, और आपके मन में सवाल है कि मैं क्या सप्लीमेंट लूँ या कैसे मैं बॉडी बनाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। तो मैंने एक तरफ एग्जांपल के लिए रख लिए हैं मास गेनर्स, एक तरफ रख लिए एग्जांपल के लिए प्रोटीन्स। अब आपके मन में होगा कि मैं क्या लूं, मास गेनर या प्रोटीन। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप चाह क्या रहे हैं, आपका शरीर कैसा है। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और देखें अपने आप को, क्या आप दुबले पतले हैं, क्या आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, क्या आपका वेट अंडर है, कमीज बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे खूंटी पे टांकी हुई है, मतलब शरीर में मांस है ही नहीं। तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए एक मास गेनर। जी हाँ, और ओरिजिनल वाला मास गेनर, वो तो आपको बताइए, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिलेंगे, सप्लीमेंट्स वाला पर। तो मास गेनर यहाँ पर बेस्ट चॉइस रहने वाली है आपके लिए अगर आप अंडरवेट हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि मास गेनर के अंदर आपको एक कंप्लीट जो है मील मिलेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ज़्यादा जो पोर्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, सेकेंड नंबर पर प्रोटीन, देन फैट और विटामिन मिनरल, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मास गेनर के अंदर, जो कि आपको कैलरी सरप्लस पे रखेगा। और जब आप कैलरी सरप्लस पे रहेंगे तो आपका वेट पुट ऑन होगा इजीली, और जब वेट बढ़ेगा तो जो कमीज बिल्कुल ढिल्ली ढाली आ रही थी वो आपकी टाइट हो जाएगी, आपके जो है पिचके हुए गाल थोड़े उभर जाएंगे, भर जाएंगे, आपका शरीर भर जाएगा, हड्डियों का जो ढांचा है वो ढक जाएगा, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो अगर अंडरवेट है तो आपको मास गेनर ही लेना है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक और चीज, मास गेनर जब आपका वजन ठीक हो जाए उसके बाद आपको छोड़ देना है, मतलब उसको बार बार लगातार यूज नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनका वेट ठीक है वो वजन तो नहीं बढ़ाना चाहते, या थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको अपनी मसल्स बिल्डिंग करनी है, उनको चाहिए शरीर थोड़ा गठीला, उनको चाहिए शरीर मस्कुलर, उनको चाहिए शरीर कैसा जिसमें बाइसेप्स डोले शोले चेस्ट अलग से ही चमके, तो आपको लेना है प्रोटीन। जी हाँ, फिर आप प्रोटीन लेंगे, क्योंकि जिसका वजन ठीक ठाक है उसको मास गेनर की तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, खरीदना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है 5'8", आपका वेट है 70 किलो या इसके आसपास, तो आपको मास गेनर नहीं लेना। आपकी हाइट है 5'10", आपका वेट है 75, मास गेनर नहीं लेना। हाँ, अगर आपका वेट है 60, 50, 55, हाइट है 5'8", 9, 10, तो मास गेनर आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपका वेट ठीक ठाक है तो नो डाउट प्रोटीन ही आपके पास बेस्ट चॉइस रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा मास गेनर लेना है, कौन सा प्रोटीन लेना है, वो आप और वीडियोस देखें सप्लीमेंट्स वाला चैनल पर। बस मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि कॉलेज जाने से पहले बॉडी बनाने का गोल है तो आपको मास गेनर या प्रोटीन में से क्या चीज लेनी चाहिए। और प्रोटीन ऐसी चीज है जो सिर्फ मसल बिल्डिंग कराती है, वजन आपका नहीं बढ़ने देगी। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं अगर वजन ठीक ठाक है, आपको जो है 16 का डोला 46 की छाती करने का गोल है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मास गेनर के रिजल्ट होते हैं फास्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई अगर मैं आपसे कहूंगी 1 महीने में 10 किलो वजन घटाना है तो इजीली वो काम हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूंगी 1-2 महीने में 10 किलो वजन बढ़ाना है वो काम भी हो जाएगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि 1 महीने में आप जो है 16 का डोला कर लो तो वो 1 महीने का खेल नहीं है, 1-2 साल का खेल है। इसलिए प्रोटीन जब आप लेंगे तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ जरूर रखेंगे कि प्रोटीन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लो होते हैं। और जैसा कि मैंने मास गेनर के बारे में कहा था कि मास गेनर है कभी कभार की चीज़, या स्टार्टिंग में एक आधा बार ले लो, वजन ठीक ठाक हो जाए टाटा बाय बाय बोल दो, पर प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसे आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो खैर मास गेनर का भी नहीं है, पर जिसका वजन ठीक है अगर वो मास गेनर लेगा तो उसका पेट निकलेगा, फैट आएगा बॉडी में, जो कि नुकसान बराबर ही है। तो इसलिए प्रोटीन को आप लंबे तौर पर यूज कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करो ओरिजिनल प्रोटीन, ओरिजिनल मास गेनर सप्लीमेंट्स विला से। और हां,
क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हैं, पहली बार सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो पहली बार में इतना ही सप्लीमेंट, मतलब सिर्फ प्रोटीन ले लो और या फिर सिर्फ मास गेनर ले लो। मास गेनर कब लेना है जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन कब लेना है जैसा कि मैंने बताया। तो सिर्फ आप जो है प्रोटीन, सिर्फ आप जो है मास गेनर ही ले सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जो है जैसे लाइक आप क्रिएटिन भी आप ऐड कर सकते हैं, एनर्जी प्रो, BCAA, EAA ये भी ऐड कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप सिंपली एक प्रोटीन लो अपने मसल साइज को ग्रोथ करने के लिए, अगर वजन ठीक है आपका, आइडियल वजन है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जैसे मान के चलो आपकी हाइट है 5'8", मैंने बताया कि 70 के आसपास वजन होना चाहिए, पर आपका 5'8" हाइट पे भी 65-66 किलो वजन है, तब भी आपको मास गेनर नहीं लेना, तब भी आप लेंगे प्रोटीन। क्योंकि दोस्तों 2-3 किलो अगर आप अंडरवेट हैं तो वो कोई अंडरवेट नहीं होता है, आप प्रोटीन या फिर अपनी घर की डाइट से भी इतना वजन बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप अंडरवेट हैं 10 किलो 15 किलो, लाइक आपका वजन है 40-45-50-55, तो आप स्टार्टिंग में मास गेनर ही लीजिए, फिर जो है घर वाली डाइट से वजन बढ़ाना काफी मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब जो है पूरे दिन चराई करेंगे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि भैया कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए जो है आप स्टार्टिंग में अगर आप ओवर अंडर वेट हैं, मतलब 10-15 किलो कम है आपका वजन आइडियल वेट से, तो मास गेनर ले लो, अदरवाइज प्रोटीन को ही चलने दो। और 2-3 किलो अंडर वेट है तो भी प्रोटीन लेंगे आप, मास गेनर की तरफ नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो में फटाफट मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, पढ़ा दी हैं। आपको समझ नहीं आया है फिर से मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो मन करे कीजिए। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से, ना इधर से लेंगे ना उधर से लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे तो हम सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से लेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स विला। अब इसके बाद में जो है आपको कौन सा मास गेनर लेना है, कौन सा प्रोटीन लेना है, क्या और लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सारे क्वेश्चन आप जो है सप्लीमेंट्स विला के कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं इस पर आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी सप्लीमेंट्स का ऑर्डर करना है तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या सप्लीमेंट्स विला के स्टोर्स जो हैं वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो दिल्ली कालकाजी जा सकते हैं, जल्दी आउटलेट ओपन हो जाएगा एक और दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 8 और पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के जस्ट पास में, तो वहां भी जा सकते हैं आप। पलवल जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, मेरठ जा सकते हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, आप कानपुर, जयपुर आप जा सकते हैं, गुरुग्राम, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, जल्दी और भी आउटलेट्स ओपन होंगे, हर सिटी में होंगे, जितने भी आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं या हो चुके हैं वो सब आपके अपने आउटलेट्स हैं, एक भी आउटलेट फ्रेंचाइजी वाला नहीं है। तो इसलिए कॉलेज जाने से पहले जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो अपने बॉडी गोल के हिसाब से, अपनी आपसे पूछ कर, मास गेनर या प्रोटीन, आपका बॉडी वेट क्या है कमेंट करके मुझे बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। नमस्कार।